Let's give this thing a pull. सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइज। सो गाइज अभी आप लोग देख सकते हैं हीरो एक्सपल्स जो है यश का, एंड भाई ने स्टॉक बोल के पूरा का पूरा गाड़ी मॉडिफाई कर दिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं क्विक शिफ्ट का एग्जॉस्ट विच कॉस्ट अराउंड 14,000 to 15,000, पूरा स्टेनलेस स्टील का है एंड पूरा बाइक अभी डर्ट बाइक बन चुका है स्टॉक बोल के। सो ये बाइक को हीरो का एक इवेंट में इसको अवार्ड भी मिला हुआ है, सो इट इज़ दैट स्पेशल। एंड हीरो के खुद ऑफिशियल्स जो उनके चेयरमैन वगैरह वो लोग ने आके भी इसको अप्रिशिएट किया था जब भी थाने में इवेंट हुआ था रेमंड्स में। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट गिव यू द साउंड चेक। तो अभी इसमें डीबी किलर लगा हुआ है, सो अभी ऐसा साउंड करता है। सो पहले डीबी किलर नहीं था इसमें। तो बाइक बहुत ही क्रेजी साउंड करता है, पहले अपना यामा को जाने दो क्योंकि उसका साउंड इससे ज़्यादा है। सो या सो अभी बात करते हैं अपन इसके मॉडिफिकेशंस के बारे में एंड परफॉर्मेंस मॉड्स। इसके अंदर ज़्यादा कुछ किया नहीं है परफॉर्मेंस के हिसाब से, अगर देखेंगे तो अपन ने सिर्फ एग्जॉस्ट चेंज किया हुआ है इसका। बाकी ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहला स्टार्टिंग करते हैं अपन सामने से, तो होंडा CRF का आगे का मड़गाड़ लगाया हुआ है इसमें आगे, आप लोग देख सकते। एंड बाकी ये है वंडरसेन अपने भाई, उनका विंडशील्ड लगाया हुआ है, सो बहुत ही अच्छा विंड जो ब्लास्ट आता है इसके अंदर, नेकेड बाइक होने के वजह से इसमें जो ब्लास्ट आता है वो कम करता है ये। बाकी ये सेक्शन में बहुत कुछ चेंज हुआ है, नकल गार्ड्स लगे हुए हैं, फिर उसके बाद में ये रैली हैंडल लगा हुआ है, रेंथल का ये वाला स्पंज लगा हुआ है यहाँ पे। एंड आप लोग इधर देख सकते हैं लाइट में भी चेंजेस किया हुआ है, ऑक्सिलरी लाइट्स लगाया हुआ है क्योंकि इसका जो स्टॉक लाइट्स है वो इतना हेल्पफुल नहीं है। एंड हाई बीम लो बीम में डिसेंट काम करता है सिटी में अगर, लेकिन आप लोगों को लॉन्ग टूर्स में लेके जाने का तो आपको ऑक्सिलरी लाइट लगाना ही पड़ता है, इट इज़ अ मस्ट। बाकी आपको यूज़ करने को उसको आना चाहिए, सिटी में आप लोग ऑक्सिलरी लाइट कभी भी यूज़ नहीं करें, इट इज़ अ हाईली रिकमेंडेड टिप। एंड वैसा ही है इसमें सिस्टम किया हुआ है, वाइट के लिए किया हुआ है, येल्लो के लिए किया हुआ है इसके अंदर। बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस किया नहीं है इसमें, क्विक थ्रॉटल भी डाल सकते हैं लेकिन उसका अभी तक इंस्टॉलेशन किया हुआ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया इसको पूरा प्रॉपरली ऑफ रोड बिल्ड के लिए नहीं बनाया हुआ है, जितना कॉस्मेटिकली इसको बना सकते हैं उतना इसको प्रेप किया हुआ है। बाकी सिर्फ मॉड्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो एग्जॉस्ट को चेंज किया हुआ है। एंड ये सब मॉडिफिकेशन होने के बाद में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो गया है, विच मीन्स ये अभी ये सब स्पीड बम्प्स वगैरह पे बहुत ही मस्त उड़ता है। एंड बाकी फिर मिरर के बारे में बात करेंगे तो ये KTM ड्यूक का मिरर है एंड ये ओरिजिनल मिरर नहीं, आफ्टर मार्केट है, जो आप लोगों को साउथ वाले सेलर्स बेचते हैं उनके पास से मिल जाता है। सो वो हो गया। देन उसके बाद में सीट अपन ने इसमें लगाया हुआ है रैली सीट, ओरिजिनल जो कंपनी का आता है। सो बहुत लोग को ये डाउट रहता है कि रैली किट का जो सब पार्ट्स रहता है वो हमको पूरा किट लेने पर वो सब पार्ट्स मिलता है या फिर इंडिविजुअली भी अपन खरीद सकते हैं। सो गाइज इंडिविजुअली भी आप लोग ले सकते हैं, तो हम लोग ने ऑर्डर पे डाल के इसका ये रैली सीट मंगवाया। देन और भी बहुत कुछ आता है उसके अंदर, जैसे आगे का फ्रंट वाला सस्पेंशन भी आता है, रियर वाला मोनोशॉक भी आता है उसके अंदर, एंड ऑफ रोडिंग टायर्स वगैरह भी आता है, तो वो एक अच्छा खासा अमाउंट चले जाता है अगर आपको प्रॉपर ऑफ रोड बिल्ड करने का ये बाइक को। सो इट कॉस्ट अराउंड 30-40,000 एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं, लेकिन उसके ऊपर ही है, 35-40 के अंदर ही कुछ जाता है वो। सो या तो ऐसा कुछ आप लोग उसको भी कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन भी देता है आपको हीरो। तो अपने को उतना हार्डकोर वाला बिल्ड नहीं करने का था, तो इसलिए हम लोग ने उसको डिच किया एंड सिर्फ लिया ऑफ रोडिंग वाला सीट। एंड ऑफ रोडिंग वाला सीट लेने के बाद में भी अभी मैं 5'8" है, लेकिन मेरे को दोनों साइड एकदम टिपटो करना पड़ता है, फ्लैट फुट नहीं होता है मैं। एंड अगर आपको फ्लैट फुट होना है तो आपको अच्छा खासा 6 फुट का आपको हाइट चाहिए। आप लोग देख सकते हैं ये हाई स्पीड में थोड़ा सा वॉबल मारता है, तो यही प्रॉब्लम है एक्सपल्स का कि ये अगर आप लोग ऐसा इसको ऑफ रोड बिल्ड के लिए बनाते तो ये आपका प्रॉब्लम होता है
कि ये हाई स्पीड्स में हिलता है, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा ऑफ रोडिंग वाले बाइक्स कभी भी हाई स्पीड पर ज़्यादा चलते नहीं है। वो एक सर्टन एक सर्किट रहता है, एक टेरेन रहता है उनको दिया जाता है, जिसके अंदर वो लोग खेलते रहते हैं, जंप्स करेंगे, वो सब करेंगे। एजिलिटी के लिए बनता है ये, लेकिन ये हाई स्पीड के लिए नहीं बनता। अगर हाई स्पीड के लिए आप लोगों को बनाना है इसको, तो आपको इस पर जैसे कि आप रैक डालेंगे एंड उसके बाद में और भी सब माउंट्स डालेंगे, तो इसका गाड़ी का वेट बढ़ता है। फिर उसके बाद आपको सस्पेंशन भी लो करना पड़ता है प्री लोड, जिसकी वजह से गाड़ी और दबता है। तो जितना रोड पर प्लांटेड चलेगा ये गाड़ी, उतना ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। जितना ये लिफ्टेड रहेगा रोड से, उतना आपको कम स्टेबिलिटी मिलेगा हाई स्पीड्स पे। तो ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखने का। तो वो एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप लोग को आपका हाइट अगर 5'8" है या फिर उससे कम है, तो आप लोग ट्रस्ट मी गाइस, ऑफ रोड किट मत डालो, अपने रोड के लिए बिल्कुल नहीं है वो, सिटी यूज़ के लिए। एंड अगर आपको प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडिंग ही करने का है इसको, आपको प्रॉपर डर्ट बाइक बनाने का एंड सिटी में बिल्कुल नहीं चलने वाला है, तो भाई बिंदास डालो। आपका 5'8" क्या 4'8" भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि राइडिंग के टाइम पे हाइट डजेंट मैटर। क्या सिटी में सिर्फ अपन जब भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहते, वही टाइम पर अपने को इसका ज़रूरत पड़ता है। बाकी गाइस, जब इसे एग्जॉस्ट डाला है तो गाड़ी इतना लाइट वेट हो गया कि मनूवर बोलते हैं ना, एकदम फ्लिकेबिलिटी बहुत इसका ज़बरदस्त हो गया। पहले गाड़ी में बहुत वेट था, जैसे कि उसका साड़ी गार्ड हो गया, फिर एग्जॉस्ट हो गया, एंड जितने भी सब कंपनी वाले प्लास्टिक्स भी रहते हैं वो कंपेरेटिवली हैवी रहते हैं आफ्टर मार्केट प्लास्टिक से। सो सब कुछ डिलीट करने के बाद में अपने को मिलता ही है। एंड पीछे भी इसमें सब कुछ डिलीट किया हुआ है इसका, एंड लगाया हुआ है इसके अंदर ऑफ रोड वाला टेल। सो ऑल एंड ऑल ये एक डर्ट बाइक ही है, बट फॉर द सिटी। एंड अगर इसको अपन ऑफ रोडिंग के लिए लेके भी जाए तो इधर भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। तो ये डुअल पर्पज़ वाला बाइक बन चुका है अभी। एंड अगर अपने को प्रॉपर इसको बनाने का ऑफ रोडिंग वाला, तो फिर सस्पेंशन वगैरह सब कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा इसके अंदर, विच विल कॉस्ट अ हेल लॉट ऑफ मनी। एंड अगर उसको उस तरीके से यूज़ नहीं किया तो फिर वो कुछ सेंस नहीं बनेगा। लेट्स गिव दिस थिंग अ पुल। एंड गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट टिप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप लोग इसमें एग्जॉस्ट चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर स्लिप ऑन सिस्टम नहीं डाल सकते, बिकॉज इसका जो एग्जॉस्ट आता है पूरा आगे से लेके पीछे तक वन पीस में है। एंड जो इसका हेडर वाला सेक्शन रहता है मिड पाइप के पहले, उधर आपको इसका कन्वर्टर मिल जाता है। तो अगर आपको मॉडिफिकेशंस करना है स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ में, अगर आप लोगों को खेलना है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करेगा कि जो हेडर आपका रहता है बाइक का, उसको आप लोग डिलीट करके आप एक एसएस वाला पाइप वहां पर डाल सकते हैं। तो उससे आपको एक अच्छा साउंड मिलेगा स्टॉक एग्जॉस्ट में। एंड वो करने के बाद में आप लोग इसके अंदर एयर फिल्टर डाल दो, फ्रंट कन्वर्टर डिलीट करके एयर फिल्टर डाल दो, भाई साहब आपका गाड़ी एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। पुलिस से भी आप लोग को टेंशन नहीं है। एंड आपको प्रॉपर फुल सिस्टम ही करना है, जैसे कि हम लोग ने इसमें क्विक शिफ्ट का एग्जॉस्ट डाल के लिया। तो वो करने के बाद में आप लोग को एयर फिल्टर अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड अगर वो आप लोग नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करने का एग्जॉस्ट डालने के बाद में, वो है ECU अपडेट। अगर आप लोग ECU अपडेट नहीं करेंगे तो आपका गाड़ी जो है एक सर्टन 3-4 हज़ार RPM पे वो जटर मारने लगेगा, एंड वो इतना मज़ा नहीं आएगा फिर आपको गाड़ी चलाने के लिए। क्योंकि यूजुअली क्या होता है सिटी में, अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा गाड़ी वही चल रहा है 2000-3000 RPM पे, 4000 RPM पे मैक्स टू मैक्स। तो वो एक चीज़ आप लोग करिए, आपका गाड़ी एकदम ही स्मूथ हो जाएगा। चलो, सो
सो गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया रहेगा अपना ये ब्लैक ब्यूटी, एंड कमेंट्स में बताओ कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये बाइक, और भी कुछ करना चाहिए क्या इसके अंदर, या फिर ऐसे ही ये बहुत सही दिख रहा है। गाड़ी थोड़ा सा गंदा है, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये गाड़ी है ऑफ रोड वाला, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होने ही वाला है ये। सो ज़रूर कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को बाइक कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, एंड लेट दिस कम्युनिटी ग्रो। सो गाइस दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ, एंड ऑलवेज वेयर दैट फ्रीकिंग डैम हेलमेट।